खबर उत्तर प्रदेश मेरठ से। मेरठ में बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का सदस्य बताने वाले एक नेता पर मीट की दुकानें चलाने के लिए 50,000 रुपए मांगने का आरोप है। मीट कारोबारियों ने एसएसपी को दिए एक ज्ञापन में कहा है कि उनकी दुकानें जैदी की नई कोठी वाली गली में स्थित है, जिनके पास पूर्व में एफएसएल विभाग से मीट शॉप लाइसेंस है। पूर्व में उनकी वैधता समाप्त हो चुकी है, जिसके संबंध में उक्त दुकानदारों ने अपने लाइसेंस रिन्यूअल कराने के लिए आवेदन पत्र दे रखे हैं, परंतु मोहल्ले का एक व्यक्ति काजी शादा, जो अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी का खुद को कार्यकारिणी का सदस्य बताते हुए दुकानदारों से हफ्ता वसूली करने के संबंध में बात करता चला आ रहा है। दुकानदारों ने शादाब की बात ना मानते हुए इनकार कर दिया था। उक्त व्यक्ति का कार्य ही यह है कि जो भी सरकार आती है उसमें दल बदल कर पदाधिकारी बन शरीफ और सीधे साधे लोगों को परेशान करता है। शादाब काजी हैं, ये जो शादाब काजी हैं, इन्होंने हमसे 50,000 रुपए की डिमांड की है कि 50,000 रुपए दोगे तो शॉप खुलेंगी, नहीं तो शॉप नहीं खुलेंगी। ये शादाब काजी बीजेपी का अध्यक्ष बताते हैं जी अपना, और इन्होंने प्रशासन पे भी दबाव बनाया हुआ है। बार बार प्रशासन के ऊपर लेटर भेजते हैं ये, और दुकानें मीट की दुकानें बंद कराते हैं। अब से पहले भी इसने कई लोगों के साथ ऐसा किया है। ये अपना जो लोग इसकी बात मान लेते हैं उन लोगों को तो छोड़ देता है ये, जो लोग इसकी बात नहीं मानते उन लोगों को फंसाता रहता है ये। हमारी 8-10 दिन से दुकानें बंद है, हम मजदूर आदमी है, परेशान है, और ब्लैकमेल करता रहता है। जो लोग उक्त व्यक्ति की बात मान लेते हैं तो उनके विरुद्ध कोई शिकायत पत्र नहीं देता है, और जो नहीं मानते हैं उनके विरुद्ध शिकायतें देता है और अपनी मनमानी करते हुए उनसे समझौता कर लेता है। शादा शाम को एसएसपी प्रभाकर चौधरी से मिला और कहा कि बिना लाइसेंस के मीट की दुकानें चलाने वालों का विरोध किया तो इन लोगों ने फर्जी आरोप लगाने शुरू कर दिए। मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश कार्य समिति का मेंबर हूं और एक सामाजिक आदमी हूं। मेरे द्वारा कुछ मीट माफियाओं के विरुद्ध कप्तान मेरठ से शिकायत की गई थी, तो उसके बदले में वो मीट माफिया मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेके मैंने आज उनको सबको मानहानि का नोटिस भेजा है और कप्तान साहब से भी शिकायत करी है, क्योंकि ये लोग मेरे घर पर आकर मुझे धमका कर भी गए हैं, जिसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे घर पे लगे हुए सीसी कैमरों में कैद है।